नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों पर्दों से दूर अपनी निजी जिंदगी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आमिर खान की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही है, जिसके बाद से आमिर ने बी टाउन से एक लंबा ब्रेक ले लिया है। ऐसे में उनके फैंस काफी समय से उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आमिर जल्द ही पर्दे पर एक धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। दरअसल आमिर खान का नाम एक बायोपिक से जोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान और राजकुमार हिरानी एक बार फिर साथ फिल्म में काम करने वाले हैं। दरअसल ये एक बायोपिक फिल्म होगी। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आमिर खान ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस बायोपिक की शूटिंग अगले साल यानी कि 2024 से शुरू होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि राजकुमार हिरानी इन दिनों शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग में व्यस्त है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आमिर खान जल्द थ्री इडियट्स के दूसरे पार्ट में भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब आमिर खान का नाम एक बायोपिक से भी जुड़ रहा है। ऐसे में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आमिर और राजकुमार हिरानी अपनी आखिरी रिलीज पीके के एक दशक बाद अगले साल फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। बता दें कि आमिर राजकुमार हिरानी की जोड़ी थ्री इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों में साथ आ चुकी है। इसी के साथ आमिर खान की लास्ट दो फिल्में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में अब देखना है कि क्या राजकुमार हिरानी आमिर के करियर को ट्रैक पर ले आ पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन आमिर खान के कमबैक से आप कितने खुश हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।